मायापति नारायण के चरणों में शीस नवाए, दसवां अध्याय कार्तिक, सुनो शीश झुकाए। राजा प्रथु बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ नारद जी, आपको प्रणाम है। कृपया यह बताने की कृपा कीजिए कि जब भगवान शंकर ने अपने मस्तक के तेज को क्षीर सागर में डाला तो उस समय क्या हुआ। नारद जी बोले, हे राजन, जब भगवान शंकर ने अपना वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय वह शीघ्र ही बालक होकर सागर के संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। उसके रुदन से संपूर्ण जगत व्याकुल हो उठा, लोकपाल भी व्याकुल हो गए, चराचर चलायमान हो गया। शंकर सुवन के रुदन से संपूर्ण ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। यह देखकर सभी देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। उन सभी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, यह तो बहुत ही विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। हे महायोगिन, इसको नष्ट कीजिए। देवताओं के मुख से इस प्रकार सुनकर ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतरकर उस बालक को देखने के लिए सागर तट पर आए। सागर ने ब्रह्मा जी को आता देखकर उन्हें प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोद में दे दिया। आश्चर्यचकित होते हुए ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, यह बालक किसका है? शीघ्रतापूर्वक कहो। सागर विनम्रतापूर्वक बोला, प्रभो, यह तो मुझे ज्ञात नहीं, परंतु मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। इसीलिए हे जगतगुरु, आप इस बालक का जात कर्म आदि संस्कार करके इसका जातक फल बताइए। नारद जी राजा प्रथु से बोले, सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर तो उसने ब्रह्मा जी का गला इतनी जोर से पकड़ा कि उससे पीड़ित होकर ब्रह्मा जी की आंखों से अश्रु टपकने लगे। ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों का जोर लगाकर किसी प्रकार सागर से अपना गला छुड़वाया और सागर से कहा, हे सागर, सुनो, मैं तुम्हारे इस पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरे नेत्रों से यह जल निकला है, इस कारण इसका नाम जालंधर होगा। उत्पन्न होते ही यह तरुणावस्था को प्राप्त हो गया है, इसीलिए यह सब शास्त्रों का पारगामी, महापराक्रमी, महावीर, बलशाली, महायोद्धा और रण में विजय प्राप्त करने वाला होगा। यह बालक सभी दैत्यों का अधिपति होगा। यह किसी से भी पराजित न होने वाला तथा भगवान विष्णु को भी जीतने वाला होगा। भगवान शंकर को छोड़कर यह सबसे अवध्य होगा। जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, यह वहीं जाएगा। इसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशालिनी, सर्वांग सुंदरी, परम मनोहर, मधुर वाणी बोलने वाली तथा शीलवान होगी। सागर से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलवाया और उनके हाथों से बालक का राज्याभिषेक कराकर स्वयं मंत्र ध्यान हो गए। बालक को देखकर सागर की प्रसन्नता की सीमा न रही, वह हर्षित मन से घर आ गया। फिर सागर में उस बालक का लालन पालन कर उसे पुष्ट किया। फिर कालनेमी नामक असुर को बुलाकर वृंदा नामक कन्या से विधिपूर्वक उसका विवाह करा दिया। उस विवाह में बहुत बड़ा उत्सव हुआ। श्री शुक्राचार्य के प्रभाव से पत्नी सहित जालंधर दैत्यों का राजा हो गया। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। दसवां अध्याय समाप्त। जय श्री राधे। कार्तिक की कहानी। दो सास बहुएं थी। कार्तिक मास आया तो सास बोली, मैं कार्तिक स्नान के लिए तीर्थ जाना चाहती हूँ। बहू बोली, मैं भी चलूँगी। सास बोली, तू अभी बहुत छोटी है, अभी मुझे जाने दे। सासू तीर्थ गई तो बहू कुमार के से 35 कुंडे ले आई। रोज एक कुंडा भर कर रखती। उधर गंगा में सासू जी की नथ गिर गई। बहू कुंडे में नहाती हुई बोली, सासू नहावे उंडे, मैं नहाऊं कुंडे। इतने में गंगा की धारा कुंडे में आ गई। साथ में सासू जी की नथ भी आ गई। बहू ने नथ पहचान ली और अपनी नाक में पहन ली। महीना पूरा हुआ, सासू जी आई। बहू सामे लेने लगी तो सास नथ देखकर बोली कि तू यह कहाँ से लाई? तो बहू बोली, यह तो मेरे कुंडे में गंगा की धारा के साथ आ गई। पर सास ने कुछ ध्यान नहीं दिया। फिर सास बोली कि मुझे ब्राह्मण भोज करना है। तो बहू बोली कि सासू जी, दो ब्राह्मण मेरे भी जिमा दो, मैंने भी कार्तिक स्नान किया है। तब सास ने कहा कि तूने कहाँ कार्तिक स्नान किया? तो बहू बोली, ऊपर चलो, मैं आपको बताती हूँ।
ऊपर गए तो देखा सारे कुंडे सोने के हो गए। बहू बोली, मैं रोज कुंडा भरकर रखती और सुबह जल्दी उठकर नहाती और उल्टा करके रख देती। तब सासू जी बोली कि बहू, तू तो बहुत भाग्यवान है जो साक्षात गंगा जी तेरे पास आई। तूने श्रद्धा और विश्वास से कार्तिक स्नान किया तो भगवान ने तुझे फल दिया। दोनों सास बहू ने धूमधाम से ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा देकर विदा किया। हे गंगा मैया, जैसे बहू पर कृपा की, उसको कार्तिक स्नान कराया, वैसे हम सबको कराना। तुलसा जी की कहानी। कार्तिक के महीने में सब कोई तुलसा माता को सींचने जाती। सब कोई तो सींच के आ जाती, पर एक बुढ़िया माई आती और तुलसा माता से रोजाना कहती, तुलसा माता सत की दाता, मैं बिड़ला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसा माता, अड़ुआ दे, लड़ुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैखुंड का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मोत दे, चंदन का काठ दे, झालर की झिनकार दे, साई का राज दे, दाल भात का जीमन दे, ग्यारस का दिन दे, कृष्ण का कांधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसा माता सूखने लगी। भगवान ने पूछा कि तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हें जिमाती है, गाती है, तो भी तुम कैसे सूखने लगी। तुलसा माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई आती है जो रोजाना इतनी बात कहकर जाती है। मैं और तो सब कुछ दे दूंगी, पर आप कृष्ण जी का कांधा कहाँ से दूंगी। थोड़े दिन बाद बुढ़िया माई मर गई। सब कोई उसको उठाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई कि उठे ही नहीं। सब कोई कहने लगे कि पाप घाट की माला फेरती थी जिससे इतनी भारी हो गई। भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। सबसे पूछने लगे कि इतनी भीड़ क्यों हो रही है। सब बोले, एक बुढ़िया मर गई है, पापनी थी, इसीलिए किसी से नहीं उठती। तब भगवान बोले कि इसके कान में मुझे एक बात कहने दो तो यह उठ जाएगी। सब ने कहा, तू भी अपने मन की निकाल ले। भगवान ने जाकर उसके कान में कहा, बुढ़िया माई, तू बिड़ला सींचे मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई, अड़ुआ ले, गड़वा ले, पीताम्बर की धोती ले, पटके की मोत ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैखुंड का वास ले, चटके की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झिनकार ले, साई का राज ले, दाल भात का जीमन ले, कृष्ण का कांधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान उसे कांधे पर ले गए और उसकी मुक्ति हो गई। हे तुलसा माता, जैसा उसकी मुक्ति करी ऐसा हमारी करियो, जैसा उसको कांधा दिया वैसे सबको दियो। पीपल पथवारी की कहानी। एक गुजरी थी, उसने अपनी बहू से कहा कि तू दूध दही बेच के आ। वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पथवारी सींच रही थी। उनको सींचता देखकर बहू ने पूछा कि तुम यह क्या कर रही हो। औरतें बोली कि हम पीपल पथवारी सींच रही हैं, इससे अन्न और धन होता है, 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बात है तो तुम तो पानी से सींचती हो, मैं तो दूध से सींचूंगी। अब तो गुजरी बहू रोजाना दूध दही बेचने ही नहीं जाती, वह रोजाना दूध तो पीपल में और दही पथवारी में सींचती। सास दूध दही का दाम मांगती तो कह देती कि महीना पूरा हो जाने पर दे दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया, पूनम का दिन आया। बहू पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पथवारी ने पूछा कि तू मेरे पास क्यों बैठ गई। तब बहू बोली कि सासू दूध दही का दाम मांगेगी। पीपल पथवारी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है, ये भरा डिंडा पान पतूरा है, इसको ले जा। बहू ने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे कपड़ा ओढ़कर सो गई। सासू बोली कि बहू पैसे ला। बहू बोली कि कोठरी में रखा है। सासू ने कोठरी खोल के देखी तो हीरा मोती जगमगा रहे हैं। सासू बोली कि बहू इतना धन कहाँ से लाई। बहू ने आकर देखा तो सच्ची में ही धन भरा हुआ है। बहू ने सासू को सारी बात बता दी। सास ने कहा कि अब की कार्तिक में मैं भी पथवारी सींचूंगी। कार्तिक आया, सास दूध दही तो बेचकर आ जाती और हांडी धोकर पीपल पथवारी में चढ़ा देती। आकर बहू से कहती कि मेरे से दाम मांग। तब बहू कहती, सासू जी, कोई बहू भी दाम मांगती है क्या। पर सासू कहती कि तू मांग। बहू बोली कि सासू जी पैसे लाओ, तो वह पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पथवारी ने सासू को भी पान पतूरा भरा डिंडा दे दिया। उसने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे हैं। बहू ने कहा, सासू जी यह क्या है। तब सास ने आकर देखा और बोलने लगी कि पीपल पथवारी तो बड़ी दोगली पटपीटन है, इसको तो धन दिया और मुझको कीड़ा मकोड़ा दिया। तब सब कोई बोलने लगे कि बहू तो सत की भूखी सींचे थी, तुम धन की भूखी सींची। हे पथवारी माता, जैसा बहू को दिया वैसा सबको देना, जैसा सास को दिया वैसा किसी को मत देना।
लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता, लपसी रोजाना सवा शेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलाकर जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा, क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं करूँगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुंदड़ा तपसी के आगे गिरा दिया। उसने आंख खोलकर देखा तो मुंदड़ा पड़ा था। उसने उठाकर पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी ने 1.25 शेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलाकर जीम लिया। इतने में नारद जी आए और दोनों को अपने पास बैठाया। दोनों पूछने लगे कि कौन बड़ा है। नारद जी ने तपसी से कहा कि अपना पाँव हटा। पाँव हटाते ही मुंदड़ा निकला। तब नारद जी बोले कि मुंदड़ा चुराने से तेरी तपस्या भंग हो गई है, इसीलिए लपसी बड़ा है। तपसी कहने लगा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी बोले कि तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देंगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगी तो कार्तिक का फल तुझे हो जाएगा। धोती देकर अंगोछा नहीं देंगी, सीधा देकर दक्षिणा नहीं देंगी, ब्राह्मण चिमाकर दक्षिणा नहीं देंगी, दीवा चासकर हाथ न जोड़े तो तेरा पुण्य होगा। कपड़ा देके बटन न लगावे, दाहिने हाथ नाड़ा बांधे तो सबका फल तुम्हें हो जाएगा। और इतना कहकर नारद जी चले गए। लपसी को फल लपसी ने हो जो, तपसी को फल तपसी ने हो जो, माँ की कथा कहानी को फल माँ ने हो जो। विंदाई जी की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, वह मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। वह मिट्टी के गणेश जी रोज बनाती, रोज गल जाते। सामने एक सेठ का मकान बन रहा था तो वह वहां जाकर बोली कि पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले जितने में हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में अपनी दीवार ना चीनेंगे। बुढ़िया बोली कि राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो बनावे और ढा देवे, बनावे और ढा देवे, इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया और उसने कहा आज कुछ भी काम नहीं किया। तो मिस्त्री कहने लगे कि एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी कि मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा तो उसने कहा कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए, जब से दीवार सीधी ही नहीं बन रही। सेठ ने बुढ़िया को बुलवाया और कहा कि हम तुझे सोने का गणेश मंड देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश मंडवा दिया और सेठ जी की दीवार सीधी हो गई। हे बिंदायक जी महाराज, जैसे सेठ की दीवार सीधी करी वैसे सबकी करना। कहता न सुनता न हुकारा भरता ने सारे परिवार की रक्षा करना। हे कार्तिक महाराज, सबकी मनोकामनाएं पूरी करना, सबकी रक्षा करना। जय श्री राधे। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप की नो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने बोई रानी तुलसा, कौन से महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, कौन से महीने हुई तेरी पूजा, कौन से महीने हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, आषाढ़ मास बोई रानी तुलसा, सावन मास हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, धूप दीप ने वेद आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसा हरि एक नमानी नमो नमो।
तुलसी महारानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए श्री कृष्ण के दर्शन पाए। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर में गाए खीर खांड का भोग लगाए। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। जो तुलसी को सांझ में गाए श्री कृष्ण की आरती उतारे। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। जो तुलसी को रात में गाए श्री कृष्ण के चरण दबाए। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हर की पट रानी नमो नमो।